हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। इसके पहले क्लास में हमने पढ़ा था मैक्सवेल वोल्टजमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसमें हम पी डी पी की वैल्यू निकाले थे सी बी अपॉन एच क्यूब ई की पावर माइनस पी एक्स स्क्वेयर पी वाई स्क्वेयर प्लस पी जेड स्क्वेयर अपॉन टू एम के टी, जहाँ सी एक अनुक्रमानुपाती नेतांक है। तो हम आगे अनुक्रमानुपाती नेतांक सी का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण तीन में अनुक्रमानुपाती नेतांक सी का मान ज्ञात करने के लिए इसे संवेग परास माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक समाकलित करके कुल प्रायिकता को एक के बराबर रखते हैं। यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन थ्री है में अनुक्रमानुपातिक नेतांक सी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसे संवेग परास माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक समाकलित करके कुल प्रायिकता को एक के बराबर रखते हैं। तो माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट पी पी डी पी इक्वल टू वन, तो यहाँ पे हो जाएगा समाकलन माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। यहाँ पे हम समीकरण तीन से पी पी डी पी की वैल्यू रखेंगे सी बी अपॉन एच क्यूब ए की पावर माइनस पी एक्स स्क्वेयर प्लस पी वाई स्क्वेयर प्लस पी जेड स्क्वेयर अपॉन टू एम के टी डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड इक्वल टू वन। तो इसे हम लिख सकते हैं सी बी अपॉन एच क्यूब समाकलित माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स स्क्वेयर अपॉन टू एम के टी डी पी एक्स, फिर माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट ई की पावर माइनस पी वाई स्क्वेयर अपॉन टू एम के टी डी पी वाई, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट ई की पावर माइनस पी जेड स्क्वेयर अपॉन टू एम के टी डी पी जेड इक्वल टू वन। अब प्रमाणिक समाकलन होगा माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू रूट में पाई अपॉन अल्फा। तो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स स्क्वेयर अपॉन टू एम के टी डी पी एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट ई की पावर माइनस पी वाई स्क्वेयर अपॉन टू एम के टी अपॉन डी पी वाई इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट समाकलन में ई की पावर माइनस पी जेड स्क्वेयर अपॉन टू एम के टी डी पी जेड इक्वल टू हो जाएगा रूट पे पाई अपॉन वन अपॉन टू एम के टी। तो यहाँ पे होगा सी बी अपॉन एच क्यूब टू एम टू पाई एम के टी थ्री बाई टू इक्वल टू वन। तो सी की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो सी की वैल्यू निकालेंगे तो एच नॉट क्यूब इधर चली गया, तो एच नॉट क्यूब अपॉन पे आ जाएगा वी अपॉन वी रूट ब्रैकेट पे टू पाई एम के टी थ्री बाई टू। सी की वैल्यू आ जाएगी एच नॉट क्यूब अपॉन वी ब्रैकेट में टू पाई एम के टी थ्री बाई टू। ये हो जाएगा इक्वेशन फोर। समीकरण चार से समीकरण तीन में, जो समीकरण तीन है उस पे सी का मान रखेंगे। इक्वेशन फोर से इक्वेशन थ्री पे सी की वैल्यू रखेंगे। तो ये हो जाएगा पी पी डी पी इक्वल टू वन अपॉन टू पाई एम के टी थ्री बाई टू ई की पावर माइनस
पी एक्स स्क्वेयर प्लस पी वाई स्क्वेयर प्लस पी जेड स्क्वेयर अपॉन पी टू एम के टी डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, ये हो जाएगा इक्वेशन 5। अब पी एक्स इक्वल टू होता है एम वी एक्स, पी वाई इक्वल टू होता है एम वी वाई, पी जेड इक्वल टू एम वी जेड। तो इसे हम लिख सकते हैं डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड इक्वल टू एम क्यूब डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। समीकरण 5 में वेग पर अस वी एक्स व वी एक्स प्लस डी वी एक्स वी वाई व डी वी वाई तथा वी जेड व वी जेड प्लस डी वी जेड में पाए जाने वाले अणुओं की प्रायिकता होगी। समीकरण 5 से, ये वाला हमारे इक्वेशन 5 से, समीकरण 5 से वेग पर अस वी एक्स व वी एक्स प्लस डी वी एक्स कॉमा वी वाई प्लस डी वी वाई तथा वी जेड व वी जेड प्लस डी वी जेड में पाए जाने वाले अणुओं की प्रायिकता होगी पी वी एक्स पी वी वाई पी वी जेड ब्रैकेट पे डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड इक्वल टू ब्रैकेट पे एम अपॉन टू एम के टी थ्री बाई टू ई की पावर माइनस एम ब्रैकेट पे वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस वी जेड स्क्वेयर ब्रैकेट पे अपॉन टू के टी डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड, ये हो जाएगा इक्वेशन 6। अतः समीकरण 2 से वेग पर आस वी एक्स व वी एक्स प्लस डी वी एक्स वी वाई व डी वी वाई तथा वी जेड व वी जी वी जेड प्लस डी वी जेड के बीच अणुओं की संख्या होगी। समीकरण 2 हमारा था डी एन इक्वल टू डी पी वी एक्स डी पी वी वाई पी वी जेड डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। तो समीकरण 2 से वेग पर आस वी एक्स व वी एक्स प्लस डी वी एक्स वी वाई व वी डी वी वाई तथा वी जेड व वी जेड प्लस डी वी जेड के बीच अणुओं की संख्या हो जाएगी डी एन इक्वल टू एन ब्रैकेट में एम अपॉन टू पाई के टी थ्री बाई टू ई की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस वी जेड स्क्वेयर अपॉन टू के टी डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड, ये हो जाएगा इक्वेशन 7। और इक्वेशन 7 ही मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का वेग वितरण नियम है। अब वी वाई व वी जेड के लिए माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट तक समाकलित करने पर वेग के एक्स घटक के वी एक्स व वी एक्स प्लस डी वी एक्स के बीच होने वाले अणुओं की संख्या होगी एन वी एक्स डी वी एक्स इक्वल टू एन ब्रैकेट पे एम अपॉन टू एम के टी ब्रैकेट क्लोज 1/2 ई की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वेयर अपॉन टू के टी डी वी एक्स, ये हो जाएगा इक्वेशन 8। इसी प्रकार वेग का वाई घटक होगा वी वाई व वी वाई प्लस डी वी वाई के बीच होने वाले अणुओं की संख्या होगी एन वी वाई
डी वी वाई इक्वल टू एन एम ब्रैकेट पे एम अपॉन टू पाई के टी वन बाई टू ई की पावर माइनस एम वी वाई स्क्वायर अपॉन टू के टी। ये हो गया वेव का वाई घटक वी वाई व वी वाई प्लस डी वी वाई के बीच होने वाली अनुभव की संख्या एन वी वाई डी वी वाई इक्वल टू एन ब्रैकेट पे एम अपॉन टू पाई के टी वन बाई टू ई की पावर माइनस एम वी वाई स्क्वायर अपॉन टू के टी तथा वेग का जेड घटक वी जेड व वी जेड प्लस डी वी जेड के बीच होने वाले अनुभव की संख्या होगी एन वी जेड डी वी जेड इक्वल टू एन एम अपॉन टू पाई के टी वन बाई टू ई की पावर माइनस एम वी जेड स्क्वेयर अपॉन टू के टी डी वी जेड। इस प्रकार हम एन वी एक्स डी वी एक्स एक्स घटक के लिए वाई के लिए वेग का वाई घटक के लिए वी वाई व वी वाई प्लस डी वी वाई इसके बीच अनुभव की संख्या होगी एन वी वाई डी वी वाई इक्वल टू एन ब्रैकेट पे एम अपॉन टू पाई के टी वन बाई टू ई की पावर माइनस एम वी वाई स्क्वायर अपॉन टू के टी। इसी प्रकार वेग का जेड घटक के लिए वी जेड व वी जेड प्लस डी वी जेड के बीच होने वाले अनुभव की संख्या होगी एन वी जेड डी वी जेड इक्वल टू एन एम अपॉन टू पाई के टी ब्रैकेट पे वन बाई टू ई की पावर माइनस एम वी जेड स्क्वायर अपॉन टू के टी। समीकरण एट से एक्स ही समीकरण एट है हमारा ये वाला, तो समीकरण एट से एक्स दिशा में वेग जीरो से वी एक्स प्रास में होने वाले अनुभव की संख्या होगी एन वी एक्स इक्वल टू एन ब्रैकेट पे एम अपॉन टू बाई के टी वन बाई टू ई की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन टू के टी। तो ये हो गया एक्स दिशा में वेग जीरो से वी एक्स प्रास में होने वाले अनुभव की संख्या। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नाइन। उपयुक्त समीकरण एक्स दिशा में अणु के वेग का वितरण फलन कहलाता है। इक्वेशन नाइन है वो एक्स दिशा में अणु के वेग का वितरण फलन कहलाता है। और जो समीकरण सेवन है यहाँ तक हम मैक्सवेल वोल्टेज लाइन का वेग वितरण नियम, इसे हम कहते हैं इक्वेशन सेवन को मैक्सवेल वोल्टेज लाइन का वेग वितरण नियम कहते हैं। और समीकरण जो नाइन है वो एक्स दिशा में अणु के वेग का वितरण फलन कहलाता है। प्रकार हम अनुक्रमानुपाती नेतांक C की वैल्यू निकालते हैं।